While congratulating Arvind Kejriwal for winning Delhi, Kiran Bedi's husband bluntly said his wife's rout at the hustings was squarely the fault of the BJP. Bridge Bedi went so far as to lay the blame at the door of the party cadre and said there were people within the BJP who did not want Kiran Bedi to win. Congress wale jo voter the wo bhi aam aadmi party ke saath mil gaye aur BJP ka to jo bahut bura hal hua unko sochna padega pe ye hua kya hai. Kiran Bedi bhi elections haar gayi hai to isse aise lagta hai ki unke BJP ka khud ka jo cadre hai unka jo वर्किंग सिस्टम है उसमें कहीं नुक्स आ गया या फॉल्ट आ गया उनका कार्डर एक किरण बेदी जैसी औरत को नहीं जिता सके और ये दिल्ली का बड़ा भारी लॉस है मेरे ख्याल में कि ऐसे लोग जब हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आए जब आए हैं तो उनको हम जिताते नहीं क्योंकि वो उन्होंने डिसिप्लिन लाना था मे बी हम लोग डिसिप्लिन चाहते ही नहीं है कि हमें कोई डिसिप्लिन भी करे बाकी केजरीवाल को मुबारक है वो आए हैं तो उनको अब कोई अच्छे से अपना सीएम के घर में रहना चाहिए कार यूज करनी चाहिए और काम करें शायद बीजेपी ने ये जो कैंपेन किया और जो लड़ाई लड़ी है ये इलेक्शंस की दिल से नहीं लड़ी लगती उनका तो कहते कार्डर ही बहुत है आरएसएस भी काम कर रहा है उनका कार्डर घर जा जा के वोट लाता है तो कहां गया वोट जहां से हर्षवर्धन 20,000-25,000 वोट से जीते थे वहां किरण बेदी 2,500 से वोट से हार गई है तो उसका मतलब उनके कार्डर ने काम नहीं किया वोट ला नहीं पाए हम कहते हैं जी अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए जब अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं ईमानदार आते हैं काम करने वाले आते हैं अगर पब्लिक उनको भी नहीं जिताती तो थोड़ा अफसोस तो होता ही है दैट मीन्स कि जो हम लोग पब्लिक है ये अच्छे लोगों को चाहती नहीं कि पॉलिटिक्स में आए उनको जीतना तो एटलीस्ट उनको जीतना जरूर चाहिए था बीजेपी बेशक हार जाती उनको हरसेल्फ शी शुड हैव वन उसका थोड़ा सा तो मुझे तकलीफ हुई है पर ठीक हो जाएगा कोई नहीं उनके पास बहुत काम है वो सेवा ही करती हैं उनकी एनजीओस काम करती हैं लोगों के लिए काम करती हैं मैंने उनको बोला कि आप कोई आप नई चीज़ कीजिए और अच्छा काम कीजिए पावर्ड बाय NNIS